चले मैडम चले चलो जी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो वैसे हमने अपने दिन की शुरुआत करनी थी पासपोर्ट ऑफिस जाके, परंतु हमें पता लगता है कि आज यहाँ पे है हॉलीडे, गुड फ्राइडे की हॉलीडे है, जो हमें कल रात ही पता चला। अच्छा ये हुआ कि हम सुबह सुबह जाके वहाँ खड़े नहीं हुए और दुकानें बंद होनी थी और ऑफिस भी, एक्चुअली सब कुछ ही बंद है, लाइक लिटरली सब कुछ बंद है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रैफिक भी कितना कम है आज फ्राइडे होने के बावजूद, क्योंकि आज सब कुछ बंद है और लॉन्ग वीकेंड है, जिसका हमें कल रात को ही पता लगा। तो अब प्लान्स में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये हॉलीडे मंडे के लिए भी इफेक्ट करे, क्योंकि संडे है, ईस्टर संडे, तो कुछ एक जगह मंडे को भी उसको एज अ हॉलीडे ऑब्जर्व होता है। मंडे संडे है, ईस्टर संडे मंडे दोनों को है ऑफ है, मतलब ऑनलाइन तो दिखा रहा है कि ईस्टर संडे मंडे है। तो उसमें क्या होता है, यूजली कुछ एक दुकानें ऑफिसेज खुली होती है, कुछ एक बंद होती है, एक हॉलीडे वो देती है और एक नहीं देती है। तो आई डोंट नो अगर पासपोर्ट ऑफिस के लिए वैसा होगा एप्लीकेबल की नहीं, तो वो हमें अब मंडे को ही पता चलेगा। पीछे मेरे कितने अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, है ना, मौसम कितना बढ़िया है और कितना अच्छा सा लग रहा है आज। बट अभी फिलहाल के हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी लोकेशंस बंद दिखा रहा है ऑनलाइन, बट ये वाली लोकेशन वो खुली दिखा रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। अगर हमारी यहाँ बात नहीं बनी और ये बंद हुआ तो हम जाएंगे दूसरी जगह जो कि है अपना सब्जी मंडी, तो देखते कहाँ पे क्या खुला होगा। सब्जी मंडी तो खुला होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पासपोर्ट था तो वो तो आज हो नहीं पाया, तो हमने सोचा क्यों ना जो और बाकी की जरूरी चीजें वो ही कर ली जाए आज। हाय मुझे तो मौसम देख के बड़ी खुशी हो रही है, पीछे कितना अच्छा, मुझे बादल पसंद है ऐसे वाले, काले बादल नहीं बट ऐसे ब्राइट बादल। तो मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाती हूँ, मतलब जब मैं उतरूंगी तो आपको मैं आसमान का भी दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। डर था वही हुआ, वैसे तो ये पार्किंग लॉट अब मेरे लिए आप है, यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा सकती हूँ, बट अदरवाइज दुकान बंद है आज और सब कुछ ही सारा ही खाली है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, वो पता अच्छा क्या हुआ रोहिणी, हाँ। वो गूगल पे ना इन लोकेशन ने अपडेट नहीं किया हुआ, हाँ। क्योंकि सब कुछ ही बंद है यहाँ, सब कुछ ही, कितना खाली है ऐसे पार्किंग लॉट, और ऐसे कभी भी नहीं मिलता इतना खाली पार्किंग लॉट। लाइट टाइप्स तो जल रही है यार, देखना है एक बार, नहीं पर बंद ही है, अगर मेन डोर बंद है तो बंद ही होगा फिर। तो ये लगा रखा ना इन्होंने वॉलमार्ट आर्ट्स, टेक्नोलॉजी का फायदा उतरना है यानी फोन में ही जूम कर करके देख रहे हैं कि खुला है कि बंद है। कल चलो फिर, हाँ सैटरडे को है 7 AM to 11 PM, तो कल आएंगे फिर, कल रेगुलर आवर्स है फिर। पर अगर तो हमारा काम आज सब्जी मंडी में हो जाता है तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एक वहाँ पे पूरी पार्किंग खाली थी और यहाँ पे ओवर ऑक्यूपाइड है और हमें अभी यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही है। अच्छी है, वाह, पहले बोल देना चाहिए था, मैं तो जल्दी मिल जाती फिर। नहीं हाँ, मुझे भी आगे निकल के दिखी है। ये लो सर, योर डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। चलो स्ट्रोलर निकालो जरा हमारा पहले प्रिंसेस का। अरे बड़ा तगड़ा ड्राइवर लग रहा है ऊबर का। हाँ ऊबर का ड्राइवर थोड़ा ना, मैं पैसेंजर हूँ। वाह मजे चल रहे। नहीं नहीं आज तो ज्यादा सामान नहीं लेना। क्या बढ़िया आसान है वैसे, ये बात तो सही है। ये मेरे से भी क्यूट बादल है। हंस रही है पीछे का नहीं। रोहिणी बैग इसमें रख दूं जो आज फिर उड़ जाए और फिर तो सड़क पे भागे। अच्छा फिर ठीक है, फिर वो तो मेरे को पता ही लग रहा है इतने अच्छे बादल, यहाँ तो वो ही नहीं है, बास्केट नहीं है। और आज ऐसे पहली बार हुआ कि हम टाइम से आगे, देखते हैं कितना भर भर कर रखा है मैंने। तो लेना तो कुछ नहीं आज, जब टाइम से आए आज लेना कुछ नहीं है, लेकिन आज आज हमारे पास सब कुछ है। चलो ओके, ताजा ताजा ले लो हरा धनिया वो वहां से उधर साइड, ठीक है मैं तब तक इधर साइड जाती हूं। ठीक, ये क्या उठा लिया, क्या उठाया ये दिखा मेरे को। ऑफेंडेड फील मत करना, तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया था। अब मैं नाराज हो गया हूँ, अब मैं नाराज हो गया हूँ बस। अरे बोले यार फ्रूट क्रीम बनाते हैं, कल को लेंगे, कल दोबारा आना पड़ेगा, ले लेते हैं अभी, ना कार्ट है ना कुछ है, या तो $1 दे मैं कार्ट लेके आता हूँ। अरे मैं कार्ट लेके आता हूँ $1 दे। This is our cart. You don't have to worry. I come fully prepared. Let's take onion. कहाँ है हमारे cart? ये देखो हमारा सारा सामान पड़ा। I come fully prepared ना. Silly boy. चल। रोहिणी मैंने तेरे लिए पकोड़ा ढूंढा एक। मैंने तेरे लिए एक पकोड़ा ढूंढा। मिर्ची का मुझे अच्छा लगता है। ये रहा। हमने जब बॉम्बे जाते थे ना ट्रेन से, तो गुजरात के जो बीच में ट्रेन रुकती है ना, तो वहाँ मिलते हैं मिर्ची के। पकौड़े तो बहुत सारे हैं, पर मैंने रोहिणी के लिए ये वाला ढूंढा।
सुन नहीं रहे तुम मेरी बात? हाँ सुनाओ जी, सुनाओ। जब हम बॉम्बे जाते थे ट्रेन से तो बीच में गुजरात में ट्रेन रुकती है वडोदरा या कहीं पे, तो वहाँ मिलते थे मिर्ची के भजिए, क्या स्वाद। और ब्रेकफास्ट होता था राजस्थान में मिलते हैं, मेरी मम्मी बनाती है, 9 बजे के आसपास रुकती थी, बहुत ही बढ़िया होते थे। वैसे खाने को खास के पर नहीं खाती ना इसलिए। हाँ फ्राइड नहीं खाना चाहिए। पनीर की इतने बड़े पकौड़े पीछे खाने तुमने? पनीर के पकौड़े ये क्या है? आलू टिक्की भी है, टिक्की भी खानी है? आलू टिक्की ऑलरेडी बनी हुई है, बताओ। बर्गर के लिए हम यहीं से लेके जाते हैं, इतना काम करना। पर जो शेफ ने बनाई थी वो ज़्यादा अच्छी थी। ओके हाँ, मैं तो बनाई नहीं करती, पनीर को पकौड़ा भी है। चलो फिर वो देखो उधर। ओके मिल गई। ये क्या क्या उठाया भाई? मैं उधर ढूंढ रहा था ना पीछे। तुम्हें ये अच्छा लगा? तुम्हें ये अच्छा लगा? ये चकला है पता है मुझे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं मेरे चॉपिंग बोर्ड ही चाहिए, पर मैं ये सोच रही हूँ ये भी ले लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट रखने के लिए। चलो हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं छूनो। और वैसे मैंने एक और चीज़ भी देखी आगे, ये वाला मेरे को अच्छा लगा यार, ये वाला अच्छा लगा। एक ग्लास तो हम ले ही लेंगे, जैसे मट्ठा मुट्ठा करके कुछ बनाया, ठीक है। तो फिर ये दो ये ले लो, बोल और एक ग्लास। नहीं ये वाला ठीक है, छोटा पहले ट्राई करते हैं छोटे में, नहीं तो फिर बड़ा ले लेंगे। नहीं नहीं धुलते हैं धुलते हैं। हाँ हाँ श्योर, हाँ दो ये ले लो, वो बाद में, पहले ये लो दो छोटे छोटे। हाँ खराबी कोई नहीं है। क्या करना रहा भाई? चलो चलो भाई जी। हाँ मुझे खतरा है जाने से पहले ना तोड़ दूँ मैं। नहीं नहीं बचेंगे बचेंगे, फिर एक हाथ बच्चे के लिए फ्री होना चाहिए। चलो चलिए सर। ओके आज यहाँ ऐसे रश था जैसे आज दिवाली हो फिर से यहाँ पे। गुड फ्राइडे तो हम ही लोग बना रहे हैं मेरे को लगता है, और कोई नहीं बना रहा है। बाकी लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं और हम राशन पे राशन भरे जा रहे हैं। थी वो दुकान मनुषा जिसका हम आपको नाम ही याद नहीं आ रहा था उस दिन की, था क्या इस मिडिल ईस्ट में दुकान का नाम? खुली हाँ, अंदर वर्कर दिख भी रहे, यहाँ से नहीं दिख रहे बट ऐसे दिख रहे। तुमने जाना है कि मैं ऑर्डर करके आऊँ? मैं देखती पहले है क्या अंदर, जाओ तुम ऑर्डर करके आओ। हाय हाय कैसी हो? अंदर में तो दुकान बहुत सुंदर है पर मेरे से ना नर्वसनेस में कैमरा नहीं उठा जाता। उठा ले नहीं, पर अंदर क्यूट है बहुत। मैं सोच रही थी रिकॉर्ड करूं कि ना करूं, मैं उसी अश्वंजश में रह गई। जा एंटर कर और नहीं तुम करके आओ ना। रोहिणी मैं तो तेरे से भी ज्यादा शाय आदमी हूं, चल जब लेने जाएगी जब करती हूं। कर लिया अच्छा दिख रहा था यहाँ पे सारा अंदर। हाँ। कर ही लेते थोड़ा सा क्या फटाफट, यहाँ पे भी करूंगी थोड़ा सा फटाफट। नहीं शर्मा रही पहले नहीं थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है ऐसे के सुन हाँ लगता ही है थोड़ा, बट इट्स ओके। यहाँ पे भी करूंगी, ये भी बहुत क्यूट है अंदर से। दोनों है ही मिडिल ईस्टर्न दुकान है, पर एक में शर्मा मिलता है और एक में इनके पिज्जा टाइप्स होते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्टर्न में इतने साल काम किया तो मेरे को बहुत ही पसंद है इन लोगों का खाना पीना। ऑर्डर क्या किया चीज मैंने की? मैंने अपने लिखा चीज एंड ज़ातर विद वेजिटेबल्स इनसाइड और साथ में मोहम्मरा। अरे मैं सोचा आज हम और बाबा गणेश के अलावा भी कुछ खाया जाए। देखने में तो वैसे बाहर ये जो है ना इनका ये जो ऑर्डर टाइप्स मेन्यू टाइप्स है, मेन्यू भी अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है, भी ऐसा ही और अंदर से भी बहुत क्यूट है इनकी बेकरी टाइप्स। और अपना ही इतना सारा सारा नहीं, ये मतलब हर उस डिप के साथ ब्रेड देते हैं ना, वन बेक ब्रेड एकदम। ओके रोटी हो गई नान। हाँ और ये देख मेरा कुत्ता, वाह भी वाह या क्या बात है, ब्यूटीफुल वेजिटेबल्स। आई लाइक टू वेजिटेबल्स, आई लाइक। घर जाए खाना, यहीं पे खा लेना है, यहीं खा लेना, गरम गरम खा के फायदा इसका तो। जब आके फिर ले आओ, सब कुछ यहीं रख गई। चलो सर जी कोक मेरे लिए लानी चाहिए थी, अपने लिए आई डाइट कोक। शेयर करेंगे दोनों, मैं पीता नहीं हूँ डाइट को। आई डोंट केयर, शेयर करेंगे दोनों। मैं आगे बैठ के खाती हूँ, फिर उसको पीछे खुशबू आएगी नहीं, फिर उठ जाएगी। सामान रखा आगे, सॉरी नीचे रख दिया, नीचे सामान रखा था आगे, नीचे रख दिया। ओके लेट्स सी इट पूरा पति चला। आज पता है ये भी दोनों दुकानें भरी हुई है, मुझे लग रहा है सारी जगह जैसे बंद है, क्योंकि आज सिर्फ रेस्टोरेंट ही खुले हैं ना, तो लोग बाग बस खाने के लिए ही निकल रहे हैं। लो ओके देखता हूँ, ट्राई करूंगा अगर कुछ मन किया तो।
बढ़िया है वैसे पर... ये पता रैप जैसा होना चाहिए था, मैं बोलना भूल गई इनको, तो इन्होंने पिज्जा जैसा दे दिया है। तो अब अपने आप रैप कर लो, काट दिया ना इन्होंने बीच से, ओके, तो ओके, रैप नहीं कर सकते, बट इट्स ओके। चलो चलो खा लेते पहले, टेस्ट करके तो बताओ। अच्छा, यू वांट माय टेस्ट, फूड रिव्यू, फूड रिव्यू यार। टेस्टी, वेरी टेस्टी, ठीक है। वैसे इसमें कुकुम्बर नहीं होना चाहिए, इन्होंने दे दिया, मैं भी यही देख रहा था कि कुकुम्बर क्यों है इसमें। हां, बट ओके, बट वेरी टेस्टी, टेस्टी। चलो फिर खाओ, नैपकिन ले लाई, उसमें नैपकिन दे मैंने, ठीक है, चलो ओके। सर जी, आप भी अपना फूड रिव्यू दो। अब तो वेरी टेस्टी है। वैसे मैंने उनको एक्स्ट्रा गार्लिक भी बोला था देने के लिए, पता नहीं दिया कि नहीं दिया। इस रैप का नाम पता क्या है? प्रिंस रैप। स्मॉल वाला प्रिंस है, फिर क्वीन है, फिर किंग है। मैं नो लेस देन प्रिंस हूँ। हंस रही है, उतरना नहीं है, खा लिया है? मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो नहीं मैंने खाया, ना ना रही है, बस वो पिज्जा जैसा खाया, थोड़ा सा टेस्ट किया था, अच्छा है ये भी। ये तो वैसे ले लिया, वहाँ पड़ा हुआ था, काफी टाइम से खाया था, पर ये वैसा नहीं है जैसा मैं ढूंढ रही हूँ। मतलब अच्छा है ये, इट इज गुड ऑन इट्स ओन, बट वैसा नहीं है जहाँ हम काम करते थे ना, पेस्टी सा। चलो अब चलो चलो। वेदा ने भी सिर्फ उसी टाइम रोना था जिस टाइम मैंने अपना बॉक्स खुला, आगे बैठी थी, पहला स्लाइस खाया ही था, वह मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे चली जाती, और जैसी पीछे आई गाड़ी चलाई, चुप होगी, मेरे को शाबाश, इट्स ओके, पर्क्स ऑफ बीइंग पेरेंट्स, आर यू एंजॉयिंग? चलो आ जाओ। तो मां के मेरे बैग की इंस्पेक्शन ले रही हो? हैं, आए आए छुनन बेटा मेरा, क्या किया तुमने, क्या किया जल्दी बताओ, क्या किया तुमने आज हमारे बगैर? आज तो हम जल्दी जल्दी आ गए, आज तो हम आधे घंटे एक में ही आ गए। मुझ पर टैलेंट इतना ज़्यादा है, मैं इसका पिल्लो ठीक कर रही थी, मैं कहा चलो ये हटा देती हूँ, फिर मैं देखा चलो सॉक्स हटा देती हूँ, फिर ये टोपी भी यहाँ, एक और हेयर बैंड भी यहाँ, एक और ग्लव्स, मतलब इतने सारे, पता नहीं कौन से कोने में मैंने इतने छोटे से पाले में रखे हुए हैं। हर बार इसकी ड्रेस के साथ जो भी पहनाती हूँ ये उतार देती है, तो ये सारे कोई यहाँ घुसा हुआ था, कोई यहाँ घुसा हुआ था। हाय रब्बा, रानी बड़ी सी यानी होना ही था, होना ही था। आजकल कोको बार बार आ रही है इसके पास, इसको देखने की हो क्या रहा है। कोको की पिटाई करनी पड़ेगी अगर इसको तंग कर रही है। तंग कोई नहीं कर रही है, ठीक है ना, कोको सिर्फ प्यार करने आती है, दूर से प्यार। हाँ जी बताओ, आप डैडी को बता सकते, प्यार करने आती है। वेदा बता मेरे को यार, हाँ तंग कर रही है तो करता हूँ इसका इलाज। आज तो हमारे यहाँ बन रही है दाल मुरादाबादी। हेलो, अपने ब्लॉग में दिखानी है, ठीक है, मेरे चैनल पे जाओ जिसको देखना है। ठीक है भैया, ठीक है, हम तो बस कह रहे हैं आज बन के आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए मेरे चैनल पे प्यार देना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। टैग किया है नहीं, दोनों ने टैग किया है, रुस जाता हूं, गुस्सा ज्यादा नहीं रुसना, तुमने कर रहे हैं, कर रहे लोग टैग कर रहे हैं, और उसमें कमेंट भी आ रहे हैं अब कि वो बना भी रहे और खा भी रहे और अच्छा भी लग रहा है। एकदम गुस्सा हो जाता हूं, ज्यादा जल्दी ना, वेदा से ज्यादा जल्दी तो बिल्कुल नहीं है ना चुन्नू है। ये फूल टीवी के पास रखे हुए थे और मैं इतनी देर से घूर रही और देख रही हूँ कितने अच्छे फूल है, देखो देखो तुम भी देखो। फिर मैं सोचू कि फूल आए कहाँ से, फिर मुझे ध्यान आया वो कल मेरी सखी आई थी एक मिलने के लिए, तो बेचारी इतने खूबसूरत फूल लेके आई है, लिटिल डिड शी नो कि फूल पालना भी हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको जिंदा रखना। बट वो इसके लिए, वेदा के लिए भी बहुत सारे क्यूट क्यूट और थॉटफुल गिफ्ट्स लेके आई है, अलग ड्रेसेस हो गई और ये उसके टीथिंग के लिए हो गए, इतना क्यूट सेलिटेंट, कितना सुंदर है। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो है ये, मतलब अब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि क्या है ये। ये है गले का नेकलेस, इसमें है RVS यानी कि रोहिणी वेदा और सार्थक। बट थैंक यू सो मच तानिया, मतलब बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट्स है ये सारे और बहुत ही क्यूट थे। कल हम एक तो मिले भी इतने सालों के बाद, तो मतलब ना मैं आप लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवा पाई, ना मेरे दिमाग में आई, क्योंकि हम बात ही करते रह गए, हमें पता ही नहीं लगा कब दिन से रात हो गई, मतलब 5 घंटे कब गए हमें पता ही नहीं लगा। एंड ऑफकोर्स मैंने आपको कितनी बार बोला, अगर एक साथ आप गर्ल्स को बिठा दो या लेडीज़ को बिठा दो तो उनकी बातें नॉन स्टॉप चलती है। एनीवे, उससे मिलके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद किसी फ्रेश फेस से मिली थी। मैंने उसको भी बोला था, मुझे उसका मैसेज आया था कि मैं घर पहुंच गई हूं और थैंक यू, आज बहुत मज़ा आया। मैंने कहा थैंक यू, पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने कोई फ्रेश फेस देखा है, तो बोलती तुझे मिलना चाहिए, मैं कब से कह रही थी तुझे मिलने के लिए। मैं कहा ये तो तेरे बात सही कही, कोशिश करेंगे अब आगे इसी तरह से मिलने और कंटिन्यू। सभी का डिनर हो चुका है, अब कोको डिनर के बाद अपनी एक्सरसाइज कर रही है,
ये इसके साथ खेल रही है। अब मुझे लगता है कि हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां मैं आप लोगों से अलविदा मांगूंगी, पर जाने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया हमारी लास्ट वीडियो को। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहे ताकि हम भी दिन दुगनी रात चौगनी करें और आप सभी लोगों का नाम रोशन करें। मिलेंगे आप सभी लोगों को इसी नोट पे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, सी यू सून, बाय।